सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो आज दोस्तों आपकी कृपा से हमारे उस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और बहुत सारे भाई ये भी बोल रहे थे कि आपका खुद का चैनल नहीं है, तो आज मैं आपको YT स्टूडियो में लेकर जाऊंगा और वहाँ से प्रूफ बताऊंगा कि ये मेरा खुद का ही चैनल है और मैंने इस चैनल को कैसे इतना जल्दी ग्रो किया है। दोस्तों अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको बैनर बनाना आता है, अच्छा मस्त वाला HD बैनर, तो वो मुझे अपने इंस्टाग्राम भेज देना। बैनर ये बनाना है आपको कि मेरे उस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसमें आपको लिखना है 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट, थैंक यू सो मच, और उसके नीचे कोने में अपने चैनल का एक नाम लिख देना, ठीक है, और वो मेरे इंस्टाग्राम में सेंड कर देना। अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं अपने उस कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, तो ये आप काम जरूर कर देना। साथ ही साथ आपका चैनल का भी प्रमोशन हो जाएगा और साथ ही साथ मेरा बैनर का भी काम हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूंगा विशाल के स्टोर वाले चैनल पर। तो आप अच्छा सा बैनर बनाना, बढ़िया मस्त वाला HD में, मुझे पसंद आएगा तो मैं वहाँ पर डाल दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरे शॉर्ट वाले चैनल की ऑडियंस रिटेंशन कितनी आती है। दोस्तों बहुत सारे लड़के भाई क्या करेंगे, ये चैनल ये वीडियो आप पूरी नहीं देखेंगे, ये वीडियो स्किप करते 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 लास्ट तक जाएंगे और निकल जाएंगे और फिर बोलेंगे मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही, इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे आके आके, भैया मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही, क्या करूँ मैं, क्या गलती कर रहा हूँ, मेरा चैनल चेक करो। तो भैया जी यहाँ पर मैं आपको पूरी तरह से ज्ञान दे रहा हूँ, अच्छी तरह से समझा रहा हूँ कि ये वीडियो आप पूरी देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने स्किप कर दी तो आपकी वीडियो कुछ भी हो जाए वायरल नहीं होगी, आप कितनी भी मेहनत कर लो, किसी की भी वीडियो देख लो। बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो दूसरे की वीडियो देख ले, जिनका खुद का छोटा चैनल ही नहीं है, उनकी वीडियो जा के देखेंगे और अपने चैनल पर ट्राई करेंगे लेकिन उनकी वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं आएंगे। तो दोस्तों आपके सामने जो बंदा बैठा है उसको 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, कितने 2 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि अपने शॉर्ट चैनल को ग्रो कैसे करना है, शॉर्ट वीडियो को वायरल कैसे कराना है, शॉर्ट चैनल को ग्रो करके वीडियो को वायरल कैसे कराना है, ये मैं पूरी तरह समझ चुका हूँ और आज आपके सामने प्रूफ भी दे दिया है मैंने विशाल के शॉर्ट वाले चैनल से। मिस्टर फैक्ट वाला चैनल भी मैंने 1-1.5 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर किया और आज इस चैनल पर भी मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपके सामने जो बंदा बैठा है वो कोई फेक बंदा नहीं है, वो आपको पूरी तरह से सही बता रहा है, जो भी बातें हैं वो पूरी तरह से समझाएगा। तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो स्किप कर दी तो आपका जो करना है कर लेना, आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आएगा, टैग है कुछ भी डाल देना। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कैसे करना है, साथ ही साथ उसका मेन काम है कि ऑडियंस रिटेंशन कितना आना चाहिए जिसकी वजह से आपकी वीडियो को वायरल होने की चांस बढ़ जाए, ठीक है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर देना। आप क्या करते हो, वीडियो को बिल्कुल भी वायरल लाइक नहीं करते हो, बिना लाइक के ही चले जाते हो, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मुझे थोड़ा और मोटिवेट मिले आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए। कल वाली वीडियो अच्छी खासी व्यूज आए, उस पर 2000 के समथिंग व्यूज आए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे कि अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कैसे कराना है और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा उसका ऑडियंस रिटेंशन कितना आना चाहिए जिसकी वजह से उस वीडियो का वीडियो वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डर करके बताऊंगा कि मेरी विशाल के शॉर्ट वाले चैनल का ऑडियंस रिटेंशन कितना आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने YT स्टूडियो में जाता हूँ विशाल के शॉर्ट वाले चैनल के, ठीक है। यहाँ पर किसी भी एक वीडियो को ले लेता हूँ और जैसा कि मान लो ये वीडियो मैंने ले ली, इस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, लगभग इस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन 80% से ज़्यादा आ रहा है और ये वीडियो लगभग 45 सेकंड से ज़्यादा है। ये वीडियो मैंने कितने सेकंड बनाई है, 45 सेकंड प्लस से ज़्यादा की वीडियो बनाई है, तो उसकी वजह से इस वीडियो पर 80% से ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है, अपनी वीडियो में यूनिक करना है जिसकी वजह से आपकी वीडियो पर 80% से ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन आए, ठीक है। आपको अपनी वीडियो में कुछ ऐसा ट्राई करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर धैर्य भी रखना होगा, ऐसा नहीं है कि आज हलवा खाया और आज के ही आज आपको आज हलवा बनाया और आज के आज ही खा लिया, आपको ऐसा बिल्कुल भी, यह YouTube है ऐसा आपको साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें आपको धैर्य रखना होगा, आपको इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा YouTube को। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी कुछ ऐसी वीडियो भी है जो पहले वायरल नहीं होती, लेकिन जैसे मैंने वीडियो डाली 2 दिन से भी वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं चली, लेकिन तीसरे दिन वो वीडियो एकदम से अप हो गई। तो यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, आपको YouTube को टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, एक गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि उनकी वीडियो इसलिए वायरल नहीं होती बहुत सारे भाइयों की, कि वो गलती ये करते हैं कि जैसा कि मान लो वो फेक्ट की वीडियो डाल रहे हो, यानी कि एनिमेशन की वीडियो डाल रहे हैं, आज एनिमेशन की वीडियो डाली, कल उन्होंने क्या किया कि कल एक्सपेरिमेंट की वीडियो डाल रही, परसों उन्होंने फेक्ट की वीडियो डाल रही है ना। तो आप एक गलती करते हो तो YouTube खुद कंफ्यूज हो जाता है कि आपकी वीडियो को किस ऑडियंस को दिखाना है। तो
आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियो में एनिमेशन की वीडियो बनाते हो तो आपको एनिमेशन की ही वीडियो बनानी है, इसके अलावा आपको बिल्कुल भी दूसरी वीडियो नहीं बनानी है, रेगुलर वीडियो डालना है आपको, ठीक। और साथ ही साथ आपको यह काम भी करना है कि आपको रेगुलर वीडियो डालने के साथ साथ समय का भी ध्यान रखना है। अगर आप शाम को 6 बजे वीडियो डालते हो तो शाम को 6 बजे ही डालना है, आपको टाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। और आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आपको एक दिन में कितनी वीडियो अपलोड करना चाहिए जिसकी वजह से आपके चैनल को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल सके, तो वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन 80% से ज़्यादा आना चाहिए, आपको किसी भी तरह की कैटेगरी चेंज नहीं करना है, जिस कैटेगरी में वीडियो डाल रहे हैं उसी कैटेगरी में डालना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने चैनल पर समय देना होगा, अगर आप समय देते हो चैनल को तो आपका चैनल बहुत जल्दी बूस्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में, तो धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना। तो टाटा बाय बाय।